और फरीदाबाद के बड़खल विधानसभा में पहुंचे पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि बीजेपी के राज में फरीदाबाद का कोई विकास नहीं हुआ, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने मेट्रो रेल को से लेकर मेडिकल कॉलेज और अन्य विकास कार्य करवाकर फरीदाबाद को आगे बढ़ने का काम किया था। इस दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस की सरकार बनाने का भी दावा किया और कहा कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आ रही है। फैसले किए उन्होंने, सीएलयू है बहुत, जो हमने 1500 रुपए में किया था इन्होंने 15-20 हजार रुपए कर दिया, जो दुकानें बनी हुई हैं उनका कर दिया, और सबसे ज्यादा भारी भ्रष्टाचार इन्होंने जो है तीन चीज लगा के, परिवार पहचान पत्र मतलब परमानेंट परेशानी पत्र वो लगा दिया, और प्रॉपर्टी आईडी भ्रष्टाचार का अड्डा। कांग्रेस आएगी तो इनसे भाई इनको चलता करेंगे, वही पोर्टल चलेंगे हरियाणा में जो जनहित के होंगे पोर्टल होंगे। इस प्रकार से और बहुत बातें इन्होंने बताई हैं, काफी काम गिनाए हैं। ये काम जो भी जनहित का फैसला होगा वो कांग्रेस पार्टी करेगी, पहले भी करते रहे आगे भी करेगी। अरे हरियाणा में घूम रहा हूँ और आज यहाँ कह के जा रहा हूँ आपको, पूरे हरियाणा में कांग्रेस के पक्ष में लहर चल रही है, हर जगह से एक ही आवाज आ रही है, अब की बार कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस आ रही है। लोगों ने जो हमारी सरकार थी 2005 और 14 के बीच की, और इनकी 14 से 24 के बीच में दोनों के काम तोल के देख लिए। जिस दिन हमने 2014 में सरकार छोड़ी उस दिन हरियाणा प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश, कानून व्यवस्था, खेल खिलाड़ी, नौकरी देने में पूरे देश में नंबर एक का प्रदेश था, और आज किस चीज में हो गया, आज नंबर एक हो गया बेरोजगारी में।